तो वो जो नया कपड़ा वपड़ा बना है कब निकलेगा? जल्दी है निकली हा? जल्दी है निकली। शपथ कहते हैं कपड़ा अलमारी में रह जाए। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। लगता है कि सुभाषपा वाले ओपी राजभर की बात बन गई है। आज अचानक वो उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ से मिले हैं और उसके बाद उन्होंने पोस्ट भी डाला है। पोस्ट में तो लिखा है कि राजभर को आदिवासी घोषित करने के लिए तत्काल केंद्र से सिफारिश की जाए और सैफई में जो बंजारों का गांव है, जहां पे 2500 बंजारे रहते हैं, उनके लिए कुछ कदम उठाने की बात कही गई है। उससे पहले उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात की है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस मुलाकात की तस्वीर एक्स पर पोस्ट की है और ओपी राजभर ने। राजनीति में मेल मुलाकात होती रहती है, लेकिन इस मुलाकात की खास बात है, खास मायने हैं। दरअसल जब से ओपी राजभर उधर से इधर आए हैं, मतलब पहले वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, बाद में BJP के साथ उन्होंने गलबैया कर ली, क्योंकि बकौल ओपी राजभर अखिलेश यादव ने उन्हें धोखा दिया था और जो उनका हक बनता था वो हक भी नहीं दिया था, साथ में तलाक भी दे दिया था। लिहाजा वो नए साथी के तलाश में थे और BJP नए साथी के रूप में मिल गई। लोकसभा का चुनाव है, दोनों को एक दूसरे की गरज है। अमित शाह से मिलने के बाद वो BJP यानी कि NDA के साथ आ गए थे, लेकिन बात नहीं बन रही थी। CM योगी से उनकी शायद पटरी नहीं बैठ रही थी, ये सवाल उनसे इन खबर ने पूछा था। सुनिए उन्होंने क्या दिया जवाब। तो वो जो नया कपड़ा वपड़ा बना है कब निकलेगा? जल्दी है निकली हा? जल्दी है निकली। शपथ कहते हैं कपड़ा अलमारी में रह जाए। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। उनको अपने विषय में सोचना चाहिए। अच्छा एक बता, आज एकदम सच सच बता दीजिएगा, योगी जी से ट्यूनिंग में कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ नहीं। तो जितना ट्यूनिंग आपसे है, 25 करोड़ जनता में है, उतना ट्यूनिंग उनसे भी है। बाहर चाहे कुछ भी लोग कहें, देखिए हमारे 700 कोटी माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर लगी है, Y+ की सुरक्षा मिली है, पूरे 75 जिले के DM SP को निर्देश हमारे सामने उन्होंने प्रमुख सचिव और चीफ सेक्रेटरी को अपने कहा कि सबको निर्देश हो जाए कि इनकी पार्टी का कोई नेता किसी काम को लेके जाए जो सही है उसको तुरंत करने का काम करो। उसका रिस्पांस भी सभी जिलों में 75 जिले मिल रहा है। हम जहाँ जा रहे हैं सभा, जैसे आज हम आपके गाजियाबाद में 5 गो सभा के लिए। अच्छा, आज अब 5 गो सभा ये लगत रहा कि कोनो मंत्रीय सभा करता, पहले से सुरक्षा व्यवस्था टाइट, अपने जो लोग थे उनका मनोबल भी कि नहीं हमारा नेता या रहा, नेता को ताकतवर है, तो ये सब है का, ये तो योगी जी की ही देन है ना। तो योगी जी से हमारा संबंध एक नंबर का अच्छा है। राष्ट्रपति चुनाव से लेके अब तक कम से कम हम अंदाजों की 1.5 दर्जन से भी ज्यादा बार मिल चुका है। तो कहे शिवपाल अखिलेश यादव बार बार तंज कसता लो? ऐसा ना कि देखिए शिवपाल जी हुआ रहल बहन, अब अखिलेश जी जानत हुआ कि शिवपाल जी कहीं चल ना जाए। अच्छा भाई, अब देखिए गांव में हम देहात का रहे वाला ही, घर से नाराज हो के अगर कोई औरत चली जाती है जी, फिर दोबारा उसको मना के अगर लाया जाता है तो पूरे परिवार की निगाह रहती है कि कहीं फिर से विधानसभा में तो खूब डोरा डाल जाता है। वो भी राजभर हैं, बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं और बता भी गए कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि मीडिया में अटकलें हैं। 75 के 75 जिलों को ये संदेश जा चुका है कि जो भी सुभाषपा के कार्यकर्ता नेता आए और उनका काम यदि करने लायक हो, सही हो, तो उसको अवश्य कर दिया जाए। योगी का ये निर्देश है। ये तो विरोधी फैलाते रहते हैं कि योगी से ओपी राजभर की नहीं बन रही है। राजभर ये भी दम भर रहे हैं कि योगी से भी अच्छे रिश्ते हैं और ब्रजेश पाठक से लेकर के केशव प्रसाद मौर्य सबसे अच्छे रिश्ते हैं और जिसके साथ वो रहते हैं जी जान से रहते हैं। अखिलेश ने पिछड़ों को धोखा दिया है और अखिलेश को कोसते हुए वो नहीं थकते हैं। इस मुलाकात के बाद अब ये मायने निकाले जा रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें ओपी राजभर को जगह मिलने वाली है, कैबिनेट मंत्री के रूप में उनको एंट्री मिल जाएगी। बता दें कि योगी का जो पहला शासनकाल था उसमें ये मंत्री थे, लेकिन पटी नहीं थी, अपनी ही सरकार को घेरने में लगे रहते थे, बाद में वो किनारे हो गए और अलग भी हो गए थे। इस बार काफ़ी तैयारी के साथ आए हैं, लोकसभा का चुनाव होना है, अगले साल चुनाव है, दोनों को एक दूसरे की दरकार है पूर्वी उत्तर प्रदेश में,
ओपी राजभर की पार्टी का जनाधार भी है। बेशक घोसी उपचुनाव ये लोग हारे हैं, इसके बावजूद कहते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोकसभा चुनाव होगा तो अखिलेश यादव को पता चल जाएगा कि किसकी जमीन कितनी मजबूत है। फिलहाल तो ओपी राजभर ने जो कपड़ा बनवा रखा है मंत्री बनने के लिए, उसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि बारी आ गई है आलमीरा से निकालने की। रहिए इन खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।